हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास। आज हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ा था, जो कि आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा। चलो आज प्रश्नमाला 6.1 देखते हैं। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अपन को कोई इक्वेशन दे रखी है, उसमें वैल्यू पुट करनी है और मान निकालने हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने इनकी वैल्यू की सारणी पढ़ी थी, देख लेना। यहाँ लिखा हुआ है 2 sin 45 cos 45। अभी sin 45 की वैल्यू रखनी है अपन को और cos 45 की वैल्यू रखनी है। देखो यहाँ 2 का तो 2 लिख दिया ऐसा कैसा, और यहाँ लिखेंगे अपन sin 45 की वैल्यू, तो इंटू में sin 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू cos 45। cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। अब दोनों को सोल्व करेंगे अपन। देखो ऊपर तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर 2 ही रहेगा। नीचे √2 को √2 से करते हैं तो हमेशा 2 आता है, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और 2 बन जाता है इसका। या फिर यूं बोलेंगे, √2 को √2 से किया तो √4, और 4 का रूट होता है 2। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा, 2 में 2 का भाग दिया, 1 आ गया। तो यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1 आ गया। इसी प्रकार सेकंड वाला देखते हैं। cos 45 है और साइन है 60। cos 45 sin 60 माइनस sin 45 और sin 60। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस का चिन्ह लगा दिया। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू sin 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2। आपको जो टेबल बताइए उसमें देख लेना, समझ में आ जाएगा। टेबल आपकी बुक में भी मिल जाएगी आपको। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 को √2 से किया तो 2√2। माइनस लगा देंगे उसके बाद हो जाएगा, 1 को √3 से किया तो √3, और 2 को √2 से किया तो 2√2। अभी देखो अपना हर समान है, तो हर तो ऐसा कैसा रह जाएगा 2√2, और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो 1 माइनस है तो माइनस हो जाएगा √3। तो ये अपना आंसर आ गया, 1 √3/√2। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। sin² 30° प्लस 2 cos² 45° प्लस 3 tan² 60° तो अपन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर है sin² तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ये 2 है 2 पहले लिख देंगे। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की होती है 1/√2, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले भी पता था। उसके बाद प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 × cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है √3, √3 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। प्लस यहाँ 2 1 का स्क्वायर तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 2 से गुणा किया 2, और यहाँ √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। √2 से √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है। प्लस यहाँ 3 × √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखो इन सब का एक साथ एलसीएम ले लेंगे, या फिर इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। यहां लिख दूंगा 1/4 प्लस यहां ये इससे कट जाएगा तो 1 आ गया प्लस 9, ठीक है, 9 और 1 10, तो इसको यूं लिख देंगे 10 + 1/4 को डायरेक्ट लिख देंगे 10 सही 1/4, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको अपॉन में वैसे लिखें तो 10 को 4 से गुणा किया 40 और 1 41/4 भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगला देखो चौथा क्वेश्चन। 3 sin 60° माइनस 4 sin³ 60° तो अपन यहाँ वैल्यू रख देंगे, 3 × sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस 4, और यहाँ sin 60 का वापस वही होता है √3/2 का, यहाँ क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे।
अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ तो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस था, देखते हैं यहाँ अपॉन में 2 है और यहाँ -4, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और 3 को वापिस √3 से 3 टाइम लिखेंगे, देखो यूं लिख देंगे √3 × √3 × √3, पावर 3 है ना, 3 बार लिख दिया। नीचे भी 2 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, तो 3 बार लिखेंगे। देखो यहाँ 4 से ये कट रहा है, 2 × 2 × 2 = 4, कट गया 4 से। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये ऊपर तो 3√3/2 है, -√3 को √3 से किया तो 3 हो गया, और ये रूट साथ में ऐसा रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, बट अपॉन में नीचे 2। देखो दोनों एक जैसे ही हैं, इसी में से ये वाला माइनस करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आता है, 0। तो चौथे का आंसर क्या आ गया, 0। अब देखते हैं पांचवा और छठा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 cos² 60° +4 sec² 30° -10² 45, और अपॉन में लगा रखा है sin² 30° +cos² 30° तो अपन यहां भी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 5 का तो 5 लिख देंगे, इनटू में लिख देंगे अपन इसको, cos 60 की वैल्यू होती है अपने पास 1/2 का स्क्वायर लगा देंगे, इसको ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, तो ये एक साथ रह जाएगा इसके अंदर। प्लस लगा देते हैं, यहां अपना आ जाएगा कितना, 4 × ये sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 का स्क्वायर, इसको भी वापस ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद माइनस का, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। sin² 30, साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, ये अपनी वैल्यू पुट करती है। जो भी अपने पास वैल्यू थी ना, टेन की, से की, साइन कोस की, तो वो सब वैल्यू यहाँ पर ने पुट कर दिया, आप टेबल से कर सकते हो सारणी से। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो यहां देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 को 5 से गुणा किया तो 5/4, प्लस में यहां देखो 4, और यहां देखो 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, √3 का 3 होता है, 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो 16, और नीचे आ जाएगा 3। माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, और 2 का स्क्वायर वापिस 4 हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ऊपर वाले को एक साथ सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, ये बीच वाला अपॉन तो लगा रहा हूँ बीच में, और ये ऊपर वाले का लगा रहा हूँ, यहाँ इन तीनों को दोनों का एलसीएम क्या आया, 12, 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना आया, 12, तो 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, और 3 को 5 से गुणा किया तो 5 × 3 = 15। अभी 3 का भाग दिया 12 में 4 बार, और 4 को अपन किससे गुणा करेंगे, 16, 16 चौक 64 होता है, और 1 का भाग दिया 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा किया तो 12। इसी प्रकार नीचे वाले का देखो हर समान है, तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा, 1 + 3। अब देखो ऊपर वाले में ये दोनों तो प्लस के, इन दोनों को जोड़ के 12 माइनस कर देंगे, या फिर 15 में से 12 माइनस करेंगे तो अपने पास आता है 3, और 3 को 64 में जोड़ देंगे तो अपने पास हो जाएगा 67/12, और नीचे आ जाएगा 4/4, तो 4/4 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4/4, तो अपने पास आंसर क्या आ गया अपना, 67/12, तो ये अपने पास से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 4 cot 45, cot 45 का मान होता है अपने पास कितना होता है, 1, तो cot 45 का स्क्वायर माइनस sec है, sec कितना अपने पास यहाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर अपने पास है sin 60, sin 60 होता है √3/2 का स्क्वायर, और प्लस में
कोस स्क्वायर 90 है, कोस 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर करो तो भी अपने पास जीरो ही आना है। तो अब देखो वैल्यू अपन ने सब वैल्यू पुट कर दी, कोट की कर दी, सेक की कर दी, साइन की कर दी और कोस की कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो चार, एक का स्क्वायर एक होता है, इसको चार से गुणा करेंगे तो चार हो जाएगा, माइनस दो का स्क्वायर चार हो गया, प्लस रूट तीन का स्क्वायर क्या होता है, तीन, और चार दो का स्क्वायर चार, प्लस जीरो। अभी देखो चार से तो चार कैंसिल हो गया और जीरो इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ गया, 3/4। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है 4/cot²30° प्लस 1/sin²30 माइनस cos²45°। तो आप इन यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, चार तो रह जाएगा चार, कोट तीस की वैल्यू होती है रूट तीन, तो रूट तीन का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/, नीचे देखो उसको साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है अपने पास, साइन 30 का होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सॉरी माइनस है cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन कोस, cos 45 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं 1/√2 हो जाएगा, सॉरी 1/√2 का इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो सोल्व करते हैं, यहाँ चार का तो चार रह जाएगा और √3 का स्क्वायर तो तीन हो जाएगा, प्लस एक बट्टा 2 का स्क्वायर चार, माइनस 1/√2 का हो जाएगा 2, एक का स्क्वायर एक होता है, √2 का 2 हो जाएगा, ये चार तो चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम अपने पास आ गया 3 और 2 का, एलसीएम आ गया अपने पास 6, तो देखो 6 को 3 का डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 को 4 से किया तो 8 हो जाएगा, प्लस 1 का भाग 6 बार, 6 को 4 से किया 24, माइनस 2 का भाग दिया 3 बार 6 में, और 6 3 को 1 से किया तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 8 प्लस 24 माइनस 3, तो 8 और 24 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाता है, और 32 में से 3 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 29/6। तो ये अपना सातवें क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 29/6। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 10 60° प्लस 4 sin²45° प्लस 90° अपॉन में है टोटल, 3 sec²30 प्लस cos²60 माइनस cot²30°। अब इसको सोल्व करना है, अपन को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पहले देखो 10 60 की वैल्यू करेंगे तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 तो ऐसा कैसा लिख देंगे, और अंदर अपन लिख देंगे साइन 45 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√ तो ये हो गई 1/√2 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में साइन 90 की वैल्यू होती है 1/ लगा देंगे टोटल। अभी सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, तो मैं यहां लिख दूंगा 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 60, कोसेक 60 की भी वैल्यू यही होती है √2/√3, तो ये भी √2/√3 का स्क्वायर, माइनस कोट 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, और प्लस 4 × 1/√2 तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और √2 का 2, तो यहाँ हो गया 4/2 हो जाएगा, प्लस 1। अभी नीचे देखो यहाँ तो 3 का 3 रह जाएगा, इंटू में 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 लिख देंगे स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर
तीन हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये अपने पास तीन से, तो ये तीन कैंसिल हो जाएगा, चार में से माइनस एक कर देंगे, नहीं माइनस तीन कर देंगे, तो एक बचेगा अपने पास। पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ऊपर तो है 3/1 प्लस 4/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2, 2 दूनी 4 कट रहा है ना, प्लस 1। तो देखो ऊपर तो आ गया 3 + 2 + 1, और नीचे देखो क्या आ गया, यहाँ है 4 में से -3 करेंगे तो अपने पास बचेगा 1, और 1 + 4/3। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर तो हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो 3 आ गया, तो 3 1 का भाग दिया 3 बार 3 ओ प्लस, यहाँ 3 का दिया 1 बार 1 को 4 से किया तो 4। तो अपने पास आ जाए ये 3 तो ऊपर चले जाएगा, और ये अपने पास 7 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो नीचे हो जाएगा। देखो ऊपर तो चला जाएगा 6 3 18, ये ऊपर आ जाता है इससे गुणा होता है, 6 3 18 हो जाएगा, नीचे इन दोनों को जोड़कर 7 लिख देंगे, तो अपना आंसर आ गया 18/7। अब अगला देखो, साइन 30 की वैल्यू होती है अपने पास, साइन 30 का होता है 1/2, आगे माइनस है साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, प्लस 2 × cos 0, कोस जीरो का मान ही अपने पास कितना होता है 1 ही होता है, तो इसको तो ऊपर सोल्व करेंगे, नीचे वाला अपॉन लगा के नीचे सोल्व लिख देते हैं, 10 30, 10 30 का मान होता है 1/√3 इंटू में 10 60 10 60 की वैल्यू होती है 3/√। अब देखो इसको सोल्व कर देते हैं, यहाँ 1/2 है और यहाँ माइनस का 1 है, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 -1 और प्लस का 2 अपॉन में, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे इससे गुणा में है तो कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ऊपर सोल्व करेंगे तो देखो माइनस वाला इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का तो 1/2 + 1, 1 और आधा कितना होता है 1.5 होता है ना, तो 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं, तो इनमें से कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, या तो आप लिख दो 1 सही 1/2 या फिर 3/2। अब 10वां क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 − tan² 30 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 2 × tan 30 का मान होता 1/√3, और 1 − 1/√3 का होल स्क्वायर, तो इसमें सोल्व कर लेंगे अपन, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√3 हो गया, और नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ अपने पास 1/3 हो जाएगा, 1 का तो स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 − 1/3। तो इसको यूं सोल्व करेंगे तो 2/√3 तो रह जाएगा ऊपर ऐसा कैसा, नीचे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ एलसीएम आया 3 अपने पास, 1 का भाग दिया 3 बार, तो 3 − 1 हो जाएगा, तो अपना यहाँ इसका ऊपर वाला तो ऐसा कैसा लिखते हैं 2/√3, और नीचे में यहाँ 3 में से 2 1 माइनस कर दिया तो 2 हो जाएगा, और नीचे 3। अभी 4 नंबर इस प्रकार से अपॉन में हो तो अपन क्या करते हैं, इस वाले को तो यहाँ ले आएंगे और इस वाले को ऊपर लिख देते हैं, तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, 2 × 3 और अपॉन में हो जाएगा √3 × 2, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल करेंगे तो √3 बार जाएगा, तो अपने पास आंसर क्या आ गया इसका, √3। आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।